जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों का जनसंपर्क तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में आज जदयू से गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने जिले के हथुआ प्रखंड के कई दलित महादलित बस्तियों का तूफानी दौरा कर लोगों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्थन करने एवं मंत्री राम सेवक सिंह को जिताने की अपील की। कुसौंदी खरटिया सहित कई जगहों पर बैठक कर लोगों से नीतीश कुमार द्वारा महादलित समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए लिए गए फैसलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सात निश्चय से दलित बस्ती में रहने वाले लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचा है। उन्होंने आरक्षण का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार का ये भी कहना है कि आरक्षण को कोई नहीं मिटा सकता। उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा सात निश्चय टू का जिक्र किया तथा बताया कि यह योजना लोगों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। हथुआ से अनिल कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। हमारे दलितों के बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 15 सालों में जो काम किया है, उस काम को देखते हुए हमारा दलित समाज उनके पीछे खड़ा है, पूरी तरीके से खड़ा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सात निश्चय योजना के तहत जो काम पहले उन्होंने किया, उसका प्रतिफल अभी देखने को मिल रहा है। अब आने वाले शासन काल में सात निश्चय शुरू का प्रोग्राम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं, और एक हमारे दलितों के लिए एक दिए हैं, जो अत्याचार में मारा जाता है उनके परिवार को एक नौकरी दी जाएगी और अनुदान दिया जाएगा। ये चीज़ें हमारे दलित समाज के लिए बहुत बड़ी सौगात है, और इससे दलितों में इसके लिए खुशी है। सबसे ज़्यादा प्रयास हो रही है प्रवासी लोगों को, मजदूर लोग जो बाहर से आए हैं हम लोगों के राज्य में, उनके लिए व्यवस्था हो रही है, उनके लिए रोज़गार का सृजन किया जा रहा है, उसकी प्लानिंग हो रही है, और नए रोज़गार के सृजन की भी व्यवस्था हो रही है, प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग की गई है। अभी आने वाले शासन में जब चुनाव होगा, हमारी सरकार बनेगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री जी बनेंगे, तो देखेंगे आप बहुत बड़ा बदलाव आएगा।